गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनो टेक्निक्स में, डबल इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, आउस्टरनोली मेथड। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे वो आपका रेडियो इम्यूनो ऐसे हो, एलाइजा हो, या फिर आपका डबल इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे हो, CSIR, ICMR, गेट, DBT, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता है, डिफरेंस पे मिलता है। और मेन जो CSIR गेट में जो क्वेश्चन आता है वो आपको पैटर्न पहचानने में आता है, या पैटर्न को लेकर स्टेटमेंट दी जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको कुछ बहुत इजी तरीके से या चीजों को रिलेट करके हम देखेंगे। कुछ चीजें अलग हैं, रेडियो आपका जो मेंशनी मेथड है उससे अलग है, या हम रेडियो इम्यूनो डिफ्यूजन मेथड जिसे कहते हैं उससे कुछ अलग है, और वही चीजें जो है कैप्चर की जाती हैं क्वेश्चन पूछने के टाइम पर, जब डबल इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डबल इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे को DIDP कहा जाता है। ये डांस इंडिया डांस से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ आपको डिफरेंट, जैसे डांसर्स अपनी बॉडी की शेप बनाते हैं, कुछ उसी तरह की शेप्स जो है वो बनती हुई आपको दिखाई देंगी, जो कि रिलेशनशिप सेट करेंगी। ऐसे ही यहाँ पर DID मैंने लिखा है, वो डबल इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे है। डांस इंडिया डांस का मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दे दिया ताकि आप रिलेट कर पाए कि कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें बनेंगी, कुछ शेप्स इसमें बनेंगी। और इसे दूसरा जो नाम से जाना जाता है, आउस्टरनोली मेथड, दोनों नाम से पूछ लिया जाता है, या दोनों नाम आपको क्वेश्चन में ही बता दिए जाते हैं। एक आधी बार ICMR या गेट में या JNU में पूछ लिया जाता है कि डबल इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, आउस्टरनोली मेथड। अब जो आपका मेंशनी मेथड है और डबल इम्यूनो डिफ्यूजन मेथड है, उसमें एक फर्क है कि यहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपकी डिफ्यूज करती हैं, जबकि मेंशनी मेथड में आपका या तो सिर्फ एंटीजन मूव कर डिफ्यूज करता है, या फिर एंटीबॉडी डिफ्यूज करती है। लेकिन यहां पर दोनों डिफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें, इनके इंटरेक्शन की वजह से हमें शेप मिलती है। यहां तक आपको बुक में समझ में आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो आपसे एंटीजन्स के बेस पे पूछा जाता है। यहां पर मैंने आपको बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों डिफ्यूज करते हैं, और एंटीजन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने यहां पर नंबर दिया है 1 2, तो ये एंटीजन्स जो हैं ये डिफरेंट है, और इन्हीं के बीच में हमें रिलेशनशिप सेट करना है, और इसके लिए हमें एक सेम एंटीबॉडी चाहिए, यानी एक ही एंटीबॉडी चाहिए, या जिसे मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है कि मींस ये एक ही एंटीबॉडी आप कोई भी ले सकते हैं, IgG, IgM कोई भी ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एंटीजन्स जो हैं वो नंबर्स में है, 1 2, यहां पर मैंने नंबरिंग की है, और एंटीबॉडी एक है। तो इन दोनों का एंटीबॉडीज के साथ, जो एंटीबॉडी है उसके साथ कैसा रिलेशनशिप बनता है, कैसी लाइन बनती है, और कैसा इंटरेक्शन होता है, उसी चीज को हमें देखना है। तो एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि डिफ्यूजन दोनों का होता है, मल्टीपल एंटीजन्स होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी है वो आपकी एक होती है, और दोनों डिफ्यूज करते हैं। यहां पर यही लिखा है, बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिफ्यूज ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर वो यहां से मूव करते हैं। आप किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस फॉर्म में मैंने इसलिए बनाया ताकि समझने में आसानी रहे, नंबरिंग हो सके। तो दोनों मूव करते हैं, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे मूव करते हैं, हम कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो दोनों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उस पे मूव करते हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि इनका जो रेट है, जो डिफ्यूजन का रेट है या रेट ऑफ डिफ्यूजन है, वो डिपेंड करता है इनके साइज पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप कंपेयर करेंगे, प्रोटीन का साइज देखेंगे आप, ज्यादा होता है, प्रोटीन का जो एपिटोप है या एंटीजन कहते हैं वो ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट होगा कोई एंटीजन में तो उसका साइज कम होगा, लिपिड का और कम होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो साइज है वो डिपेंड कर, उसके बेस पर आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। तो कितना मॉलिक्यूलर वेट है, हम वो एक वो चीज देखते हैं, और दूसरा एंटीजेनिसिटी देखते हैं कि कितना वो एंटीजन है।
तो ये हम दो चीजें देखते हैं, यहां पर हम सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट या उसका साइज देख रहे हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि एंटीजन में कुछ भी हो सकता है आपका, तो ये चीज हमने देखा है। अब ये दोनों जब यहां पर इस एरिया में आते हैं तो जो इंटरेक्शन होता है उससे जो एक लाइन फॉर्म होती है, इंटरेक्शन से जो लाइंस फॉर्म होती हैं उसे हम प्रेसिपिटिन लाइन कहते हैं, क्योंकि हमें पता है एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं, तो हमें प्रेसिपिटेशन लाइन फॉर्म होती है और यही आपकी प्रेसिपिटिन लाइन है। अब यही रिलेशनशिप सेट करती है हमारी, यही लाइंस, यही स्ट्रक्चर्स, यही डांस की डिफरेंट फॉर्म जो डीआईडी में मैं कह रहा था, यही हमारा एक डिफरेंट एंटीजन्स का एंटीबॉडी के साथ रिलेशनशिप सेट करती है और हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दो एंटीजन्स सेम हैं, डिफरेंट हैं। अब यहां पर मैंने एक और दो लिखा है, हो सकता है ये दोनों एंटीजन सेम हो सकता है अलग हो सकता है कुछ पार्शियली इनका सेम हो। तो वी सेट ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स। ये बात आपको याद रखना है कि एंटीजन्स डिफरेंट होंगे, मल्टीपल होंगे, और एंटीबॉडी जो है वो सेम होगी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि एंटीजन की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा, क्या हम इसका पता भी लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन का भी पता लगा सकते हैं इस मेथड से, उसका आंसर भी देखेंगे। पहले यहां पर देखते हैं, अगर आइडेंटिटी है यानी ये दोनों वन और टू एंटीजन्स दोनों सेम हैं, मान लेते हैं COVID-19 के जो अभी चल रहा है वही दो वायरस हैं, वही दो कुछ एंटीजन्स हैं, तो COVID-19 के हैं अगर ये दोनों, तो यहां पर ये आइडेंटिटी है तो इनकी शेप आप कुछ चांद की तरह या सी की तरह देखेंगे, और यहां पर एंटीजन वन एंटीजन टू लिखा है और बीच में एंटीजन तो आपका एंटीबॉडी लिखा है, तो आपको कुछ सी शेप या मैं कहूँ कुछ चांद जैसी शेप या रिंग शेप, हाफ रिंग शेप आपको मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिटी को लेकर। सेकेंड, जब हम बात करते हैं तो वो नॉन आइडेंटिकल केस हो जाता है। इसमें क्या होता है, एंटीजन वन और एंटीजन टू के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मान लेते हैं COVID-19 का एंटीजन है और ये आपका जो है टाइफाइड है, तो ये आपका अलग, टाइफाइड का कुछ बैक्टीरिया है, कोई एंटीजन है, तो ये आपका अलग अलग है दोनों, एक बैक्टीरिया है एक वायरस है, तो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप सेट नहीं होगा। तो हम एक सिंपल सा, हमें पता है कोई रिलेशनशिप सेट नहीं होता तो हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं, और वैसा ही यहां पर किया है, इसलिए नॉन आइडेंटिकल है एंटीजन वन एंटीजन टू, और हम कुछ क्रॉस का साइन बना देते हैं और बीच में आपका एंटीबॉडी आ जाता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कुछ मिली जुली स्ट्रेन्स की। मान लेते हैं ये टाइफाइड की एक स्ट्रेन है, सेलमोना टाइफाइड या इकोलाई वन टू हम काउंट करते हैं, तो ये टाइफाइड एक आपका सेलमोना टाइफाइड ओ है, एक सेलमोना टाइफाइड एच है, तो इन दोनों का जो एंटीजन है वो पार्शियली मिलते जुलते होंगे क्योंकि एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं कि बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, तो कुछ मिलता जुलता इनका होगा। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो यहां से कुछ हाफ हम इसका लेंगे, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि हाफ फॉर्म हम यहां से जो चांद सा बना था, हमारा सी सा बना था, इसका लेंगे, और एक जो है हमारा हम क्रॉस की लाइन लेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो वाई शेप है जिसे मैं कहूं, या आपका ऐसा कुछ वाई शेप आपको मिलती है, तो इसका मीन्स होता है पार्शियल आइडेंटिकल, कि ये आपका पार्शियल आइडेंटिकल है। तो ये तीन शेप हैं और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपको ऑप्शन दे के ही इन शेप्स को मैच ऑफ द फॉलोइंग करके 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और था कि क्या कंसंट्रेशन का, हम किस एंटीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वन की ज्यादा है टू की ज्यादा है, हमें कैसे पता लगेगा। इस चीज को लेकर यहां पर आपको जो ये बीच में इंटरेक्शन होगा उसको लेकर पता लगेगा। मान लेते हैं कि जो आपका फर्स्ट, आपका जो एंटीजन है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जितनी कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी उतना ही दूर इससे, इसकी वॉल से दूर आपकी जो ये लाइंस हैं वो फॉर्म होंगी। जितना एंटीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है उतना ज्यादा दूर एंटीजन की वॉल से ये जो आपकी प्रेसिपिटेशन लाइंस हैं वो फॉर्म होंगी,
हमें इस तरह से पता लगता है कि कंसंट्रेशन कौन से एंटीजन की ज्यादा है। कोई ब्लड सैंपल लिया जाता है, दो एंटीजन है, हमें पता करना है किसकी ज्यादा है, तो हम यहां से देखकर भी बता सकते हैं कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। दूसरे ऐसे भी है, हम ग्राफ भी बना सकते हैं, वो मेथड भी है। अब एक मेथड ये हो गया कि ये ज्यादा है, और जो कम होगा वो सीधी सी बात है वाइस वर्सा हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर एंटीजन वॉल के पास ही ये जो आपकी है डिफरेंट पैसिटेन लाइन बनाएगा। ये आपका जो था डबल इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे था। मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश करी है, बहुत सिंपल फॉर्म में डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करी है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड बी सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।